चंद्रपुर नाम के गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम। श्याम अपनी पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया और राम अपने घर में खेती किसानी करने लगा। राम के पास एक ट्रैक्टर और दो भैंसे थे। एक दिन राम जब दूसरे गांव से घर वापस जा रहा था, तभी उसको रास्ते में कुछ अजीब सा दिखाई दिया। राम ने वहां देखा तो वहां पर एक छोटी सी खिलौने की गुड़िया पड़ी हुई थी। अरे अरे, ये बड़ा अजीब है। इस खिलौने को यहाँ पांव छोड़ के चला गया है और ये कैसा अजीब सा चमक रहा है। अरे अरे बाप रे, कितना डरावना है ये गुड़िया। बच्चे तो क्या, कोई भी देखेगा तो डर जाएगा। मैं इसे यहीं फेंक देता हूँ। राम उस डॉल को फेंक देता है और ट्रैक्टर को घर के बाहर रखकर सोने चला जाता है। तभी रात को जोर से बिजली चमकती है और उस ट्रॉली के पीछे गिरती है और तभी उस ट्रॉली से वह गुड़िया बाहर निकलती है जिसे राम ने फेंक दिया था। मैं बहुत समय से किसी का इंतजार कर रही थी। बहुत दिनों बाद मुझे किसी ने छुआ है और अपने घर लेकर आया है। अब देखो मैं कैसे इस गांव को अपने कब्जे में करती हूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे अपने लिए साथियों का इंतजाम करना पड़ेगा। उसके बाद वह गुड़िया राम के रखे हुए ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लेती है और उसे शैतानी जायंट ट्रैक्टर बना देती है। उसके बाद उस गुड़िया की नजर भैंसों पर पड़ती है और वह उनको भी शैतानी भैंस बना देती है। अब आएगा मजा। सबसे पहले गांव जाती हूँ। बहुत समय से मैंने गांव में तबाही नहीं मचाई। ऐसा बोलकर वह शैतानी गुड़िया ट्रैक्टर में बैठ जाती है और उसके पीछे पीछे दोनों भैंस गाँव की तरफ निकल जाती है और फिर गाँव में जाकर अफरा तफरी मचा देती है। उनके सामने जो भी आता सबको खात्मा करते जाते। दोनों भैंसों ने तो और खतरनाक तबाही मचाई थी। जब राम अपने घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसका ट्रैक्टर और भैंस दोनों गायब थे। अरे यार, ट्रैक्टर और भैंस कहाँ चले गए? किसी ने चोरी तो नहीं कर लिया? राम तुरंत ही अपने भैंस और ट्रैक्टर को तलाश करने के लिए गांव की तरफ भागता है तो देखता है कि दो लोग उसकी तरफ भागे चले आ रहे थे। भाई क्या हुआ, तुम लोग इतना क्यों भाग रहे हो? कुछ समस्या आ गई है क्या? दोनों राम को सभी बातें बता देते हैं और दोनों वहां से भाग जाते हैं। यह बड़ा अजीब है। कल मेरा भी एक ट्रैक्टर और मेरे दो भैंसे गायब है। कहीं यह यही तो नहीं? राम छुपते छुपाते जाकर देखता है तो उसको समझ में आ जाता है कि यह तो मेरे ही ट्रैक्टर और भैंसे हैं। फिर तुरंत राम अपने घर चला जाता है कर सोचता है कि आखिर यह क्या हो गया। उसी समय उसके दोस्त श्याम का फोन आता है। और भाई राम, कैसे हो? बहुत दिन हो गए फोन नहीं किया। सब खैरियत तो है ना? फिर राम उसको सभी बातें बता देते हैं। अच्छा, ऐसी बात है, हाल ही के दिनों में तुम्हारे साथ कुछ अजीब या अटपटा सा हुआ था क्या? हाँ, हुआ तो था। फिर वह रात की सारी घटनाएं श्याम को बता देता है। अच्छा तो ठीक है, उस जगह पर आकर मिल, मैं 2 घंटे में वहाँ पहुँचता हूँ। राम और श्याम उस जगह पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद श्याम एक डिवाइस से उस जगह को स्कैन करता है तो उसको वहाँ पर कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। ये अजीब सा क्या मशीन लेके आया है? इससे तू क्या कर रहा है? ये भूत पकड़ने वाला मशीन है, इससे मैं भूत पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पागल हो गया है क्या? इतने पढ़े लिखे होकर फिर भी ऐसी अजीब बात कर रहे हो? ऐसा हम गांव वाले बोले तो समझ में भी आता है। क्यों, इस दुनिया में भगवान है तो शैतान भी तो होंगे ना? हम लोग इसे पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी के रूप में देखते हैं। यह डिवाइस नेगेटिव एनर्जी को पकड़ता है। तभी उसे पता चलता है कि वहाँ से मिली गुड़िया शैतानी थी और उसी के कारण यह सब हो रहा था। राम, तू मेरे घर में जाना और वहाँ से मेरे पापा का जीसी भी लेकर आना और मुझे तू गांव के बाहर वाले मंदिर के पास आकर मिल। दोनों चले जाते हैं और गांव के बाहर वाले मंदिर के पास मिलते हैं। श्याम उस मंदिर के पुजारी को सभी बातें बताते हैं। उसके बाद पुजारी वहाँ पर यज्ञ करने बैठ जाता है। राम और श्याम अपने जेसीबी में बैठकर गांव की तरफ निकलते हैं और उस बड़े ट्रैक्टर और दोनों भैंसों के पास जाते हैं। फिर श्याम अपने जेसीबी के ऊपर खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, शैतानी गुड़िया, ट्रैक्टर और दोनों भैंसों को छोड़ दो,
और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें कैद कर लेंगे। श्याम की बातों को सुनकर शैतान दुनिया उस कमरे से बाहर उड़ते हुए आती है। तुमको मैं पागल दिखाई देती हूँ? एक अरसे के बाद तो मुझे इतनी ताकत मिली है और मैं पूरे गांव में कब्जा कर रही हूँ। तुम लोग कहते हो ना कि मैं चली जाऊँ, तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तो खामखाम मारे जाओगे। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं सुधरने वाली, तो ठीक है, भुगतने के लिए तैयार रहो। राम और श्याम जेसीबी से उस जायंट ट्रैक्टर पर हमला कर देते हैं और उधर ट्रैक्टर भी जेसीबी पर हमला कर देता है। दोनों में बहुत समय तक लड़ाई होती है। तभी अचानक वो दोनों भैंसे भी आकर जेसीबी से लड़ाई करने लग जाती है। तीनों के तीनों जेसीबी पर हमला करते हैं और जेसीबी कमजोर होने लगता है। तभी श्याम भी बटन दबाता है और जेसीबी एक रोबोट में बदल जाता है। जेसीबी इतनी तेजी से हमला करता है कि एक एक करके दोनों भैंसे वहीं मारी जाती है और फिर जेसीबी रोबोट ट्रैक्टर के ऊपर जोरों से हमला करता है और कुछ ही समय में ट्रैक्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ट्रैक्टर के टुकड़े होते ही अंदर से शैतानी गुड़िया बाहर निकलती है, जिसे तुरंत जेसीबी रोबोट अपने हाथों से पकड़ लेता है। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। फिर श्याम और राम रोबोट के साथ उस गांव के बाहर वाले मंदिर के पास पहुंचते हैं और वहां एक खंभे से गुड़िया को बांध देते हैं। फिर पुजारी अपने मंत्र पढ़ता है और पूजा करके उस गुड़िया का नाश कर देता है ताकि वह आगे चलकर किसी को हानि ना पहुंचाए। श्याम, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, यह सब मेरी गलती से हुआ है। अरे कुछ भी मत बोलो, यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह सब वो शैतानी गुड़िया की चाल थी। एक बात समझ में नहीं आई भाई, तेरा जेसीबी अचानक रोबोट में कैसे बदल गया? अरे मैंने उसको बनवाया ही था, क्या पता कब काम आ जाए। चल यार ये सब तो ठीक है, लेकिन अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरा तो ट्रैक्टर और भैंस दोनों चले गए। तू एक काम कर, मेरा जेसीबी रोबोट ले जा और उसी से ही अपना काम चला, वैसे भी यह अभी मेरे कोई काम का नहीं है। फिर दोनों गले मिलते हैं, उसके बाद फिर अपने गांव चले जाते हैं। जायंट मैजिकल मैंगो ट्रक। रामपुर नामक एक गांव था जहां की जमीन बहुत उपजाऊ थी। वहां के सभी लोग अलग अलग प्रकार के फलों और सब्जियों का खेती करते थे। उसी गांव में अशोक नाम का एक आदमी रहता था जिसके पास आम के बगान थे। उसके बगान में बहुत मीठे मीठे आम के फल लगते थे। हर सीजन की तरह इस सीजन में भी सभी लोग अलग अलग खेती के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन पता नहीं इस बार कितना बीज और खाद पानी डालने के बावजूद भी फसल ही नहीं लग रही थी और धीरे धीरे उस गांव का और आसपास के गांव की मिट्टी काला होना चालू हो गया था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है। लोगों ने अपने अपने खेतों का मिट्टी टेस्ट भी कराया, लेकिन वैज्ञानिकों को पता ही नहीं चल रहा था कि खेतों में फसल क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन अशोक अपने बगान में घूम रहा था, तभी उसको एक पेड़ में दो चार आम फले हुए दिखे। अशोक उसे तुरंत तोड़ता है। क्या हो गया है, फसल ही नहीं हुआ है, अब मैं क्या करूंगा? और ये चार आम फले हैं, इसका मैं क्या करूं? इसे माता रानी के मंदिर में चढ़ा देता हूँ, क्या पता उनकी कोई कृपा बरसे मुझ पे। ऐसा सोचकर अशोक आम को ले जाकर मंदिर में चढ़ा देता है और भक्त माता से प्रार्थना करता है कि ये सभी समस्याओं को दूर करें। उसकी सभी बातों को वहां का बैठा हुआ पंडित सुन रहा था। क्या हुआ अशोक, बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं पंडित जी, इस साल किसी का फसल नहीं हो रहा है। पता नहीं हमारी इतनी उपजाऊ जमीन को क्या हो गया है, किसी का फसल ही नहीं हो रहा। अच्छा, मैं तुमको एक भभूत देता हूँ जो मुझे एक योगी ने दिया था। इसे पानी में मिलाना और गांव के सभी खेतों में इसे छिड़कना, फिर मुझे बताना। अशोक पंडित जी के पास से भभूत ले जाकर गांव के सभी खेतों में डालते जाता है। तभी अचानक एक जगह जैसे ही भभूत वाला पानी पड़ा, वह जगह अपने आप ही बहुत गर्म होने लगा
और धीरे धीरे करके वहां से धुआं उठने लगा। यह सब देखकर सभी डर गए। तभी अचानक उस जगह से एक बहुत बड़ा पत्थर बाहर निकला जो चमक रहा था। लोग उसे देखकर बहुत हैरान हो गए और जैसे ही लोगों ने छुआ, सभी के सभी को इतने जोरों का झटका लगा कि सब दूर जाकर गिरे। हे भगवान, ये क्या है? बड़ा अजीब सा पत्थर है, या मेरा तो कमर ही टूट गया। अशोक भाई, ये अजीब सा पत्थर कैसे निकला? पता नहीं यार, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मुझे तो ये कोई शैतानी पत्थर लगता है। चलो पंडित के पास चलते हैं, वही कोई उपाय बताएंगे। सभी पंडित के पास जाते हैं और उसे लेकर वही उसी स्थान पर आते हैं। पंडित उसे देखकर समझ जाता है कि जरूर कोई गड़बड़ है और पंडित जी वहां पर बैठकर पूजा करते हैं। तभी उस पत्थर से और तेज रोशनी निकलना चालू हो जाता है और उसके अंदर से चार बड़े बड़े अजीब से जानवर निकलते हैं और लोगों को मारने के लिए दौड़ते हैं। सभी के सभी वहां से अपनी जान बचाकर मंदिर के पास रुकते हैं। पंडित जी, देखा क्या हुआ उस पत्थर के पास जाने से? अब आप ही कुछ बताइए। मुझे समझ आ गया है कि वो क्या है। वो सदियों से पड़ा हुआ एक शैतानी पत्थर है जिसका पहले के शैतान लोग पूजा करते थे। उसके अंदर बहुत शक्ति है। अगर जल्दी ही उसका कुछ नहीं किया गया तो वह पूरी धरती को बंजर बना देगा। लेकिन पंडित जी, आप जब बोल रहे हो कि वो इतने सालों से दबा हुआ था, तो अचानक अभी ही क्यों निकला? क्योंकि अभी दो दिन बाद अमावस्या है और ये कोई ऐसा वैसा अमावस्या नहीं है। ये हजारों साल के बाद हो रहा है। मुझे लगता है कि वो इस अमावस्या का ही इंतजार कर रहा था। अब जब वो नजदीक आ गया है तो पत्थर अपने आप बाहर आ गया। पंडित जी, इसका कोई समाधान बताइए, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? आप लोग मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं आज रात को माता रानी का पूजा करके कुछ न कुछ समाधान जरूर निकाल लूंगा। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और पंडित वहां पर बैठकर हवन करता है। दूसरे दिन सभी लोग वहां पर वापस आ जाते हैं। मैंने पता लगा लिया है कि आप लोगों को कहां जाना है और उस शैतानी पत्थर को कैसे खत्म करना है। पंडित जी, जल्दी बताइए हम कैसे उसको खत्म करें, क्योंकि ऐसा चलता रहा तो पूरी धरती बर्बाद हो जाएगी। मैं तुमको एक जगह बताता हूँ, वहां तुमको जाना पड़ेगा और वहां से एक शस्त्र लेकर आना है जो दैविक शस्त्र है। उस शस्त्र के जरिए इस शैतान को पहले भी हराया जा चुका है, लेकिन उस जगह तुम ऐसे ही नहीं जा सकते। वहां जाने के लिए तुम दैविक शक्ति से बना हुआ वाहन में ही जा सकते हो। तो पंडित जी, जल्दी बना दीजिए। फिर पंडित वहां पर बैठकर एक मंत्र पढ़ता है और अशोक को चढ़ाया हुआ आम का फल जो वहां रखा हुआ था वह अपने आप जादू से उड़ने लगता है और सड़क पर आकर वह एक बहुत बड़े ट्रक में बदल जाता है। तुम लोग इस ट्रक में बैठ जाओ, यह ट्रक अपने आप ही उस जगह पर ले जाएगा, फिर वहां से तुम शस्त्र को उठाकर ले आना। अशोक और दो लोग उस ट्रक में बैठ जाते हैं और उस ट्रक से उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर वह शस्त्र रखा हुआ था। देखो अशोक भाई, वो जगह जहां पर वो शस्त्र रखा हुआ है। लेकिन देखो, वहां पर कोई अजीब से जानवर भी बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि वो शस्त्र का रक्षा करते हैं। हाँ, इस बारे में तो पंडित जी ने हमको कुछ भी नहीं बताया, अब हम क्या करें? अरे अशोक भाई, आप ये भूल गए, पंडित जी ने बोला था कि एक दैविक शक्तियों से युक्त ट्रक है, हमें इसके अंदर बैठकर वहां पर जाना चाहिए। तुम लोग सही कह रहे हो। सभी लोग उस ट्रक में बैठ जाते हैं। उसके बाद उस जगह पर पहुंचते हैं। तभी जानवर जो बैठे हुए थे अचानक ट्रक पर हमला चालू कर देते हैं, लेकिन वह दैविक शक्ति से युक्त ट्रक होने के कारण कुछ ही देर में उन दोनों जानवरों को बिजली के झटके से खत्म कर देता है। फिर अशोक और दोनों लोग जाकर उस जगह से उठाकर ले आते हैं और अपने ट्रक में बैठकर वापस गांव चले आते हैं और उस शस्त्र को पंडित जी को दिखाते हैं। पंडित जी, ये रहा वो शस्त्र जिसकी आप बात कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें शस्त्र को चलाएंगे कैसे,
वो भी इतने खतरनाक जानवर के रहते हुए। हम पहले कुछ कर सके इससे पहले वो हमको ही मार डालेंगे। तुम लोग इसकी चिंता मत करो, इस शस्त्र को अपने उस जादुई आम वाले ट्रक पर लगा दो और उसके अंदर बैठकर उसी स्थान पर पहुंच जाओ, बाकी ये सब काम अपने आप ही कर लेगा। अशोक और मोहन शस्त्र को आम वाले ट्रक में लगा देते हैं। और फिर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो शैतानी पत्थर था। जैसे ही अशोक का ट्रक वहां पर आता है, वो शैतानी जानवर उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसे देख अंदर बैठे लोग बोलते हैं, अशोक भाई आपको डर नहीं लग रहा? जल्दी कुछ करो, नहीं तो ये शैतानी जानवर हमें ही मार डालेंगे। अबे डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है समझ ही नहीं आ रहा। सभी जानवर बैक टू बैक ट्रक पर हमला कर रहे थे, तभी अशोक माँ दुर्गा का आह्वान करता है कि हे माँ, हमें इन शैतानों से बचाइए। फिर वह शस्त्र बहुत तेजी से उन सभी चारों जानवरों पर हमला कर देता है। उससे बहुत तेज बिजली के झटके अपने आप बहुत तेजी से निकलते हैं, जिससे धीरे धीरे करके वह एक एक जानवर मारे जाते हैं। और फिर अशोक ट्रक को ले जाकर उस शैतानी पत्थर के पास चला जाता है। फिर वह शस्त्र से उस शैतानी पत्थर में भी हमला करते हैं और कुछ ही देर में उस शैतानी पत्थर में बहुत जोर का ब्लास्ट होता है और वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उस ट्रक में जाकर पंडित जी के पास पहुंचते हैं, उनको सभी बातें बताते हैं। पंडित जी, हमने इस जादुई ट्रक और शस्त्र से हमने शैतानी पत्थर को तबाह कर दिया। पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, वह शैतानी पत्थर अभी के लिए तो चला गया, लेकिन वो तबाह नहीं हुआ, वो फिर वापस लौट के आएगा। तब तक ये शस्त्र और इस ट्रक को मैं यहीं अंदर में रख देता हूँ, कभी आए तो इसके माध्यम से उसको हराया जा सकता है। सभी लोग पंडित जी का धन्यवाद करते हैं और माता की आरती करते हैं। और फिर उसके बाद उस गांव में फिर से फसल खिलखिलाने लगता है, जिससे सभी लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन लोगों के मन में अभी भी यह डर बना हुआ था कि पता नहीं वह शैतानी पत्थर फिर वापस कब आ जाए। तरबूजपुर नाम का एक गांव था, जहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय तरबूज का खेती करना ही था। उस गांव में हर साल तरबूज उत्सव भी मनाया जाता था, जहां पर तरबूज का खाने का प्रतियोगिता होता था। जो सबसे ज्यादा तरबूज एक बार में खा लेता था, उसको गांव की तरफ से इनाम मिलता था। हर साल की तरह इस साल भी तरबूजपुर में तरबूज का उत्सव मनाया जा रहा था। और हर साल की तरह लीलाधर इस साल भी वह तरबूज प्रतियोगिता जीत जाता है। लीलाधर लगातार 8 सालों से जीतते आ रहा था। लीलाधर को तरबूज इतना पसंद था कि जैसे ही गर्मी का सीजन चालू होता है, उसको कुछ और खाने का दूसरा मन ही नहीं करता था। एक दिन लीलाधर की पत्नी घर के बाहर बैठी रहती है, तभी उसकी छोटी बहन वहाँ पर आ जाती है। दीदी, रानी, अचानक कैसे आना हुआ तेरा? अपनी बहन और जीजा के आने के लिए मुझे क्या कोई मुहूर्त का इंतजार करना पड़ेगा? अरे नहीं रे पागल लड़की, तेरा ही घर है, लेकिन तू जब भी आती थी बता के आती थी, तभी अचानक से आ गई, इस कारण पूछ रही हूँ। सब लोग कहाँ? बच्चे जीजा जी कहाँ चले गए? और तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो यहाँ? अरे मैं क्या बताऊँ रे, मैं तो तुम्हारे जीजा से बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या हुआ? अरे तुझे पता तो है ना, हर साल गर्मी के आते ही उनका पागलपन चालू हो जाता है तरबूज के लिए। सुबह दोपहर शाम रात तरबूज 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 तरबूज, 24 घंटे तरबूज ही खाते रहते हैं। पागल हो गए हैं वह पागल। तरबूज का पानी पिएंगे, तरबूज का सब्जी बनाने के लिए बोलेंगे। रानी देख लेना, ये पूरा घर ना तरबूज के कलर में पुतवा देंगे, इसी कदर पागल हो जाते हैं। कोई आदमी कितना तरबूज खाएगा है? इसके चक्कर में मेरा तो इतना मन ऊब गया तरबूज खाने से, उसको देखते ही मुझे नफरत होने लगती है। अरे बाप रे, इतना पागलपन, पहले कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लग रही है। और बना क्या है खाने में?
अरे तेरे जीजे के पसंद का बनाया तरबूज, तरबूज के पकौड़े, तरबूज का हलवा, तरबूज के पराठे। अरे बाप रे, कैसे खाते हो आप लोग ये सब? क्या करूं बहन, ये 4 महीने कैसे बिताती हूँ मत पूछो। ऐसा लगता है कि 1-4 महीने के लिए मैके ही चली जाऊं। सोचती हूँ फिर गुस्से में कहीं वो कोई दूसरी बनाकर ले आए तो मैं क्या करूंगी हैं? दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद लीलाधर अपने घर आता है और घर के बाहर से ही अपनी बीवी को आवाज देता है। कमला, कमला थोड़ा बाहर तो आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। कमला अंदर से बाहर ही नहीं आती। वह घर के अंदर चला जाता है और जोरों से आवाज लगाता है, कमला कमला कहाँ मर गई, सुनाई नहीं देता, कितनी देर से चिल्ला रहा हूँ। तभी उसकी आवाज सुनकर लीलाधर की साली किचन से बाहर आती है। क्या जीजा, कितना चिल्लाते हो? जीजी कहीं नहीं गई है, खाना बना रही है, चिल्ला तो ऐसे रहे थे जैसे किसी के साथ भाग गई हो। भाग जाती तो अच्छा होता, कम से कम रोज रोज के झंझट से तो दूर होता, जब देखो तब पकड़ पकड़ करती रहती है। वाह जीजा, दीदी चली गई तो कैसे घर संभालोगे? अरे तुम हो ना, वैसे भी साली आधी घरवाली होती है, उसके जाने के बाद पूरा घरवाली बन जाना। ऐसा सुनते ही बहुत गुस्से से कमला किचन से बाहर आती है। क्या बोले, साली को घरवाली बनाओगे? जब मुझे देखने आए थे तो ये भी तो थी, इसी को क्यों नहीं पसंद कर लिए? अरे मेरा ध्यान उसके ऊपर गया ही नहीं, वैसे भी सारी गलती तेरे बाप की ही है, पहले खराब माल दिखा दिए, क्योंकि अच्छा माल तो बाद में अपने आप बिकी जाएगा, इसी कारण तुझे दिखाए, इसको नहीं दिखाए, वरना ऐसी साली के रहते तुझे पसंद करता मैं, चुड़ैल सी शक्ल की। तो रख लो ना, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से, दोबारा लौट के नहीं आऊंगी। और तू रे बहुत मटर मटर करी रही ना, चल बताती हूँ मैं पापा को कि मेरी छोटी बहन मेरा घर बर्बाद करने पर तुली है। हे भगवान, कहाँ से फंस गई राक्षस के चक्कर में। उसकी बातें सुनकर लीलाधर और उसकी साली बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। तू कितनी भोली है यार, बहुत जल्दी फंस जाती है, मुझे तुमसे अच्छी बीवी कहीं नहीं मिल सकती है, तुम्हारी जगह मुझे ऐश्वर्या दीपिका भी मिल जाए ना, फिर भी तुमको नहीं छोड़ूंगा। सच में जी, क्या आप मुझे इतना प्यार करते हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अरे यार, अब हनुमान जी तो हूँ नहीं जो छाती चीर के दिखा दूँ, अब चलो बाहर, मैं कुछ लेकर आया हूँ। तीनों घर के बाहर आते हैं और कमला और रानी बाहर आते ही हक्के बक्के हो जाते हैं। अरे मोरी मैया, यह क्या बना लिया, अपने ट्रक को खाने पीने तक तो ठीक था, लेकिन ट्रक को भी तरबूज बना दिया। अरे जीजा जी, क्या कर दिया आपने ट्रक को, और ऊपर से ये 8-8 छक्के क्यों लगाए हैं? हाँ अरे ये ट्रक को मैंने इस कारण ऐसा ही बनाया है क्योंकि यह तरबूज के प्रति प्यार को दिखाता है, और ये 8 व्हील जो मैंने 8 साल तक तरबूज कंपटीशन जीता हुआ है उसके कारण बनाया हूँ। वह सब देखकर कमला कहती है, देखा रानी, मैं इसी पागलपन की बात कर रही थी, पता नहीं कौन सी चुड़ैल का साया आ जाता है इन पे। मेरे सिर पे एक ही चुड़ैल का साया है जो तुमको पता है। ऐसा सुनते ही लीलाधर की पत्नी उसको घूर कर देखती है। फिर सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं और कुछ दिन बाद रानी अपनी जीजी को बोलती है, सच में जीजी, उफ, जीजा जी का तो पागलपन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कुछ कर बहन, नहीं तो मैं ही पागल हो जाऊंगी इसके चक्कर में। दूसरे दिन रानी अपने दो दोस्तों से मिलती है और उसे सब कुछ प्लान समझाती है, अपने जीजा को इस पागलपन से कैसे दूर किया जाए। और कुछ दिन के बाद
वह दिन आ जाता है जब उस गांव में तरबूज उत्सव होता है और तरबूज खाने का प्रतियोगिता चालू होता है, जहां पर सभी प्रतिभागी आ जाते हैं। भाइयों एवं बहनों, हार्दिक स्वागत है। बस कुछ ही मिनटों बाद ये प्रतियोगिता आरंभ होने वाला है, तो आप सभी तैयार हो जाइए। वहां पर सभी प्रतिभागी एंकर के एक इशारे से ही सभी लोग तरबूज खाना चालू करते हैं। लीलाधर सबसे तेज खाने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में उसके पेट में ऐसा गड़बड़ होता है कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये मेरे पेट को क्या हो रहा है? बड़ा गड़बड़ गड़बड़ से लग रहा है। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसे में मैं कंपटीशन कैसे जीतूंगा? लीलाधर के पेट गड़बड़ होने के बावजूद भी वह पेट दबा दबा कर तरबूज खाने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और वह तुरंत कंपटीशन छोड़कर वहां से इतना तेज भागता है कि सीधा जाकर अपने टॉयलेट पर रुकता है। फिर आधे घंटे बाद वहां से बाहर आता है और कंपटीशन की जगह में जाता है। तब तक कोई अगला आदमी जीत चुका होता है, जिसे देख लीलाधर को बहुत गुस्सा आता है। फिर गुस्से में लीलाधर अपने 8-व्हील ट्रक को लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन उसी रात गांव में बहुत जोरों की बारिश होती है और रात भर होते रहता है। चीची, ये क्या? इतना बारिश तो मैंने अपने पूरी उम्र में नहीं देखा है। मैंने भी तो नहीं देखा है। पता नहीं ऐसे में तेरे जीजा कहाँ चले गए हैं? क्या पता किस हाल में होंगे। हम लोग भी यहाँ फंसे हुए हैं। हाँ, लगातार 2 दिन तक बारिश होते रहता है और इतनी तेज बारिश के कारण पानी से पूरा गांव भर जाता है और लोगों के घर सब डूब जाते हैं। सभी लोग अपने अपने घरों की छतों पर जाकर मदद का इंतजार करते हैं और इधर रानी और कमला भी अपने छत में मदद का इंतजार करते हैं। कुछ देर के बाद वहां पर लीलाधर अपने 8-व्हील वाले ट्रक पर वहां आ जाता है और ट्रक के ऊपर से ही कूद के घर में जाता है। चलो जल्दी करो, यहां से चलते हैं, पता नहीं बारिश कब बंद होगा। लेकिन जी, आपका ट्रक तो इतने पानी में डूब जाएगा। अरे मेरा ट्रक नहीं डूबेगा, मैंने उसको ऐसा मॉडिफाई कराया है। फिर सभी लोग संभल के ट्रक में बैठ जाते हैं, लेकिन जाते जाते देखते हैं कि गांव के बहुत सारे लोग अपने अपने छतों में फंसे हुए थे। लीलाधर उनको धीरे धीरे करके अपने ट्रक में बैठाता है। और वहां से निकल जाता है और सभी को एक सेफ प्लेस में उतार देते हैं। मुझे माफ कर देना जी, अब मेरे कारण आप कंपटीशन हार गए थे। मेरे ही कहने पर रानी ने अपने कुछ सहेलियों को बोलकर आपको कंपटीशन से हराया था। मैं तरबूज के पागलपन से बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपका ये पागलपन ही हमारी जान बचाएगा। कोई बात नहीं, आप लोगों ने मेरा ही पागलपन दूर करने के लिए सब किया था। मुझे उस बात का कोई दुख नहीं है और इस बात की खुशी है कि आप सबको कुछ नहीं हुआ है। जिसके बाद सभी के सभी उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और लीलाधर को वाटरमेलन किंग का नाम देते हैं।